लोग का गांव में शौचालय नहीं होने के कारण हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि आजकल खेती बाड़ी का दिन है। हम लोग दिन में भी जाते हैं तो इधर उधर सब तरफ आदमी ही आदमी रहता है। हम लोग का गांव में शौचालय नहीं है, इसलिए 2 किलोमीटर जाते हैं। और बूढ़ा बूढ़ी लोग का तबीयत खराब रहता है तो वही घर आसपास करते हैं। केंद्र सरकार की योजना संपूर्ण स्वच्छता अभियान का मुख्य उद्देश्य सफाई और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाकर खुले शौच की प्रथा को समाप्त कर आम लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर को बेहतर बनाना तथा महिलाओं को सुरक्षा एवं सम्मान प्रदान करना है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे बीपीएल परिवारों को अपने घर में शौचालय निर्माण हेतु सरकार के द्वारा 3200 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। एक ठेकेदार ने एक साल हो चुका ईटा वालू सब गिरवाया है और प्लेट पाइप सब गिरवाया है, लेकिन आज तक किसी का भी शौचालय नहीं बन पाया है। सब ठेकेदार वार्ड मेंबर सब लापरवाही करते हैं और सब सामान आने के बावजूद भी शौचालय नहीं बनवा रहे हैं। घरों में शौचालय नहीं रहने के कारण गांव की बहु बेटियां असुरक्षित महसूस करती हैं। हमारे निचितपुर गांव बहुत ही गंदगी है, इसलिए शौचालय रहने से तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि हमारा गांव भी साफ सफाई हो जाता। आप तमाम वीडियो देखने वालों से निवेदन है कि आप मुख्य कार्यपालक अभियंता खूंटी श्री बैठा जी को नीचे लिखे फोन नंबर पर कॉल कर दबाव बनाएं, जिससे हमारे गांव के 93 बीपीएल परिवारों के घरों में भी शौचालय का निर्माण हो जाए, जिससे कि वे बीमारी और अन्य प्रकार के समस्याओं से बच सकें। मैं जिला खूंटी से अमित टोपनो, इंडिया अनहट के लिए।